देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मौजूद हूँ विकासपुरी में, जहाँ बीती रात गोली चलने की बात कही जाती है। हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे विकासपुरी के PBR एरिए में अफरा तफरी मच जाती है, लोग भगदड़ करते हुए नज़र आएंगे। मैं चाहूँगी एक बार आप CCTV पर नज़र डालें, किस तरीके से पूरे एरिए में जो है भगदड़ मच जाती है। लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही क्या कारण है कि ये जो देर रात को शराब परोसी जाती है या कहें अतिक्रमण होता है, लगातार जो है हमने कई प्रकार की आपको वीडियोस दिखाई हैं, जिसमें हमने दिखा कि किस तरीके से नशा जो है देश की राजधानी के युवाओं को जो है बर्बाद कर रहा है। फिर उसके बावजूद भी लगातार, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या कोई अन्य जगह हो, पर शराब जो है धड़ल्ले से परोसी जाती हो, और कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ने का कारण है वो नशा ही है। आप साफ तौर पर CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। PBR के पास की पूरी घटना है, PBR सिनेमा हॉल है, और उसी के बाहर की सारी फुटेज जो है आप जो भी आप देख रहे हैं चैनल पर, किस तरीके से लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। बात ये भी की जा रही है कि यहाँ पर बीते दिन जो है फायरिंग भी होती है, और फायरिंग की घटना, हालांकि पुलिस को अभी इस बात का पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, और पुलिस ने अपील भी की है अगर किसी भी व्यक्ति को इसकी कोई जानकारी मिलती है या कोई सबूत मिलता है वो पुलिस से कांटेक्ट करे और पूरी सूचना दे। फिलहाल जो है मैं बात करूँ तो नशे की गिरफ्त में जहाँ युवा आता है, या 16, 17, 18, 19 साल का जो युवक या कहें जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, लगातार अपराध की राह पकड़ रहे हैं। नशा, स्मैक और गांजा और चरस और हर प्रकार का जो युवा जो है नशा करते हैं, और नशे के कारण ही पूरी दिल्ली जो है अपराध की गिरफ्त में आती जाती है, और इसी के कारण लगातार जो है अपराध बढ़ता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कि नशा ही अपराध का कारण है या नहीं, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आप एक, मैं चाहूँगी किस तरीके, देखिए इस वीडियो के बारे में अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से जो है देश की राजधानी दिल्ली में जो है अपराध को रोका जा सकता है। अपनी राय हमें कमेंट सेशन में ज़रूर दें। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरा मैन नरेश के साथ पूनम।